नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा पीएफ अकाउंट में कैसे आप लोग ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं या करेक्शन कर सकते हैं। सर्च बार में आप लोग को टाइप करना होगा www.epfindia.gov.in। इसके बाद में आप लोग के सामने ऐसे एक इंटरफेस खुल जाएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट लिंक पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोग के सामने ऐसे एक इंटरफेस खुल जाएगा। तो इसमें आप लोग को ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोग के सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। तो इसमें आप लोग को यूएन नंबर, पासपोर्ट और कैप्चा डाल के आप लोग को साइन इन पर क्लिक करना है। इस वेबसाइट का लिंक मेरा वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं यूएन नंबर और मेरा पासपोर्ट मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ। तो आपका कैप्चा डाल के साइन इन पर क्लिक कीजिए। साइन इन पर क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा रुकना है तो अलर्ट आप लोग का सामने आ गया। तो इसमें आपको लेटर आना है। तो आप लोग देख सकते हैं मेंबर प्रोफाइल, इसमें आप लोग का यूएन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार, पान, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ पर ईमेल एड्रेस चेंज करना है। तो ईमेल एड्रेस के सामने जो एक चेकबुक दिया है उसमें आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आप लोग को थोड़ा रुकना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है मोबाइल नंबर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो चेंज ईमेल आईडी पर आप लोग को टिक करके न्यू ईमेल आईडी आप लोग को यहाँ पर डालना है। जो भी आपका ईमेल आईडी हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मेरा जो ईमेल आईडी है मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। फिर आप लोगों को री इंटर न्यू ईमेल आईडी, फिर से आप लोग का जो ईमेल आईडी आपने पहले बॉक्स में आप लोग जो दिया हुआ है वो फिर री एंटर कीजिए सेकंड बॉक्स में। इसके बाद में आपको गेट ऑथेंटिकेशन पिन में आप लोग को क्लिक करना है, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक चार डिजिट पिन भेज दिया जाएगा। तो मैंने गेट ऑथेंटिकेशन कर दिया है, जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी अभी भेज दिया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, सर्वर स्लो होने के लिए मेरा जो अप्लाई है तो थोड़ा स्लो हो रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा वेट कीजिए। देखिए मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर है वो ओटीपी भेज दिया गया है। तो मैंने ओटीपी यहाँ पर डाल के सेव एंड चेंज पर क्लिक कर रहा हूँ। तो आप सेव एंड चेंज पर आप लोग क्लिक कीजिए। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरा जो ईमेल आईडी है वो अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। तो आप ऐसे ही आप घर बैठे बैठे आपके पीएफ अकाउंट पर कुछ भी आप ठीक कर सकते हैं या करेक्शन कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ आप वीडियो मुझसे चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरा जो ईमेल आईडी है सक्सेसफुल सही हो चुका है। आशा करता हूँ मेरे वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।